हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन और उसकी फंडामेंटल। डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले उसकी फंडामेंटल नॉलेज के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, किस प्रकार से डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया गया था, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या था, समेशन पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सब्ट्रैक्शन पे भी सॉल्व किया था, मल्टीप्लिकेशन पे भी सॉल्व किया था और कोसेंट के फॉर्म में भी आपने सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम फिर से वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको डेरिवेटिव की कुछ फंडामेंटल नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का इस वीडियो लेक्चर का नाम है फंडामेंटल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की फंडामेंटल। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर का हर एक स्टार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ लो। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन का कौन कौन सा वर्ड्स, कौन कौन सा नाम है। ठीक है, जो पहली फंडामेंटल में हम आपको बताने जा रहे हैं, कोई कुछ लोग इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, कोई इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कोई इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, कोई इसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, किसी ने इसका नाम एफ डैश एक्स कहा है, किसी ने इसको वाई वन बोला है, या किस ने इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट किया है, और किसी ने इसको डी वन बोला है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्या है बच्चे, डिफरेंशिएशन की नेम है। नेम मतलब ये सारे के सारे एक ही वर्ड से, सब सेम वर्ड है, एक दूसरे के सिनोनिम आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं आपके लिए, तो मैक्सिमम टाइम हम यूज करने वाले हैं डी को, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को मैं शॉर्ट में बोलने वाला हूं डी को। ठीक है, यानी कि जितने भी फंक्शन है उन सारे फंक्शन का हम डी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डीको को फाइंड आउट करने से पहले कुछ फंडामेंटल, जो कि जैसा कि इस वीडियो लेक्चर का नाम भी है कि फंडामेंटल ऑफ डीको, फंडामेंटल ऑफ डेरिवेटिव, फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो पहले जो फंडामेंटल आ रहा है, आपसे पूछूं कि डीको ऑफ वाई क्या होगा, वाई का डीको क्या होगा, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो वाई का डीको आप डीवाई बताते हो, लेकिन यहां पे y का d को विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है, किसी दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि d को ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में d को ऑफ y क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और y क्या है, y कोई भी हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, तो या हम कह सकते हैं y कोई हमारा एक वेरिएबल है जिसका d को हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो कि dy वाई बाई डी एक्स होता है। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि d को ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे बच्चे, dy वाई बाई डी टी, y का d को विद रिस्पेक्ट टू t क्या बन जाएगा, dy वाई बाई डी टी। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि d को ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, x का d को विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, तो आप क्या बताओगे बच्चे, dx एक्स बाई डी वाई। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये सारे बातें समझ में आ रहा है। चलते हैं हम कुछ और फंडामेंटल की तरफ। यदि मैं आपसे पूछूं
डीको ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा? तो जवाब आप दोगे डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसी प्रकार डीको ऑफ एक्स में आपसे पूछू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीको ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स बाई डी एक्स जो कि बन जाएगा वन, समझ रहे हो। तो आप देख पा रहे होंगे ये dx से dx कट गया जिसकी वैल्यू 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास मिला x का डीको विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 जो कि dx बाई dx भी हमने इसको लिखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि डीको ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, तो आप बताओगे कि dx बाई dt। तो ये फंडामेंटल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोटबुक पे जरूर से नोट करें। चलते हैं कुछ और फंडामेंटल की तरफ। आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत सारे फंडामेंटल को पढ़ा है, बहुत सारे फॉर्मूले की तरह ध्यान में रखा है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि डी टी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डीको क्या होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीको ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़े हो आपने, वन पढ़ा है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि डीको ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो क्या लेंगे जवाब? आप इसको हमेशा फंडामेंटल की तरह याद रख लीजिए कि एक्स स्क्वायर का डीको 2x होता है, ठीक है ना। अभी आपको बताया जाएगा कि एक्स स्क्वायर का डीको 2x क्यों और कहां से आया, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है जो कि फॉर्मूले में आप डायरेक्ट यूज करना। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्स क्यूब का डीको, तो जवाब क्या दोगे? 3x स्क्वायर, ठीक है। यदि इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि डीको ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डीको, तो क्या देंगे जवाब? जीरो देंगे। जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डीको क्या निकलेगा? जीरो निकलता है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि डीको ऑफ टू, तो आंसर क्या देंगे? जीरो। डीको ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार से आप किसी भी कांस्टेंट का डीको बनाइए तो वहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो बताएंगे, ठीक है ना। यदि मैं आपसे ये इस प्रकार से लिख दूं कि डीको ऑफ कांस्टेंट इनटू एक्स, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि कांस्टेंट का डीको जीरो लिख देते हैं और एक्स का डीको वन लिख देते हैं, जैसे कि यहां पर बताया गया है। तो आपको यह काम बिल्कुल नहीं करना है। आपका ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और सिर्फ एक्स का डीको होगा जो कि लिखेंगे कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? जैसे इस पे आप एग्जांपल देख सकते हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि डीको ऑफ 2x क्या होगा, तो 2x का डीको क्या बताएंगे बच्चे? 2 एज इट इज रखेंगे और इस एक्स का डीको 1 बता देंगे जो कि वैल्यू मिलेगा 2। तो जितने भी आप स्टार देख रहे हो ये सारे स्टार को अपने दिमाग में एज अ फॉर्मूला आपको रखना है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि डीको ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर का डीको क्या होगा, तो बच्चे जैसा कि आपको यहां पे बताया गया है कि कांस्टेंट इनटू एक्स बराबर क्या होता है, कांस्टेंट इनटू एक्स का डीको कर देते हैं जो कि 1 हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हो कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे और इस एक्स स्क्वायर का डीको 2x लिख देंगे जो कि बन जाएगा 4x, ठीक है। यानी कि यदि आपको इस प्रकार से लिख गया कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन, यदि कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देना है और डीको निकाल लेना है, इनटू लगाकर डीको ऑफ फंक्शन कर देना है, उस फंक्शन का डीको निकाल देना है, ठीक है ना बच्चों।
तो इस प्रकार से आप इतने भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल और देखिए आप, यदि मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वन का डीको क्या होगा, तो बच्चे जस्ट आपको बताया गया x का डीको वन होता है और प्लस वन का डीको जीरो बना देंगे जो कि वन हो जाएगा। लेकिन जब x इंटू वन होगा तो इस कंडीशन में ये हमारा फॉर्मूला की तरह काम करेगा, कांस्टेंट इंटू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इंटू डीको ऑफ एक्स करना है, ठीक है ना। चलते हैं कुछ और एग्जांपल की तरफ। यदि मैं आपसे पूछूं कि डीको ऑफ एक्स प्लस माइनस वन, तो आंसर क्या दोगे आप, एक्स प्लस वन का भी डीको वन और एक्स माइनस वन का भी डीको वन ही होगा। कुछ इस प्रकार से वन प्लस जीरो या वन माइनस जीरो बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये कुछ फंडामेंटल है, आप इसको नोट करें। हम चलते हैं कुछ और फंडामेंटल की तरफ। यदि आपने क्लास 11 में नहीं भी पढ़ा है तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी बेसिक समझ में आ जाए। देखते हैं हम अगली फंडामेंटल। यदि आपसे पूछा जाए कि डीको ऑफ रूटेक्स, रूटेक्स का डीको क्या होगा, ठीक है, तो इसको एज अ फॉर्मूला हमेशा से याद रखेंगे, वन बाय टू रूटेक्स, ठीक है ना बच्चों। और इस पे आप बहुत सारे एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया डीको ऑफ रूट में एक्स प्लस वन हो या x माइनस वन हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो वन बाई टू रूट में x प्लस माइनस वन, ठीक है ना बच्चों। या कुछ और एग्जांपल ऐसे दे दिया जाए, डीको ऑफ 2x प्लस वन हो तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो आप करते क्या हो कि जस्ट आपको रूट का डीको बताया गया है वन बाई टू रूट में 2x प्लस वन और यहां पे ये 2x प्लस वन का भी डीको लिख देते हो जो कि 2 हो जाता है और ये आंसर हमारा बन जाएगा 1 बाई रूट में 2x प्लस वन, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने को, हम जरूर से बताएंगे आपको। चलिए, तो इस प्रकार से आपने एक और फंडामेंटल सीखा कि रूट एक्स का डीको 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। और यहां से यदि आपको रूट एक्स प्लस वन का डीको पूछेगा तो वन बाई टू रूट में एक्स प्लस वन, यदि रूट में एक्स माइनस वन का डीको पूछेगा तो वन बाई टू रूट में एक्स माइनस वन देना है जवाब, ठीक है ना। चलते हैं कुछ और फंडामेंटल की तरफ। यदि आपसे पूछा जाए कि वन बाई एक्स का डीको क्या होगा, तो इस वन बाई एक्स का डीको बन जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसको हमेशा और हमेशा पूरे लाइफ तक इसको याद रखिएगा, वन बाई एक्स का डीको माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यदि इस पर कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है, वन बाई एक्स प्लस माइनस वन का डीको क्या होगा, तो आप यहां पे डायरेक्ट लिखोगे माइनस वन बाई एक्स प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इसका डीको बन जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस पे जो भी एग्जांपल्स बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको देखना है, ठीक है, कुछ और नहीं सोचना है बच्चों कि इसका क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा सारे बातों का जवाब, ठीक है ना। चलते हैं कुछ और फंडामेंटल की तरफ। यदि आपसे पूछा जाए कि वन बाई एक्स स्क्वायर का डीको क्या होगा, तो आप बच्चे जवाब दोगे कि माइनस टू बाई एक्स क्यूब होता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, कहां से होता है, किस प्रकार से होता है। तो बच्चों एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पर ये पूरे के पूरे लेक्चर को बताया, और वो फॉर्मूला है हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, जो कि बनता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। और इसी फॉर्मूले से जितना भी अभी तक आपको बताया गया है निकाला गया है, ठीक है ना। लेकिन एक निकाला गया चीजें और
एक फॉर्मूले से बनना दोनों के दोनों सेम है। तो इस प्रकार से बच्चे आपको हमेशा से इस फॉर्मूले को मेमोराइज करना है, ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को बनाना है। यदि आप फंस गए तो इस फॉर्मूले पे काम करिए, ठीक है। यानी इस प्रकार से अभी तक आपको बताया गया कि x का डी को रूट एक्स का डी को, एक्स प्लस वन का डी को रूट एक्स प्लस वन का डी को, वन बाई एक्स का डी को वन बाई एक्स स्क्वायर का डी को, एंड यहां तक आपको बहुत सारे डी को बताया गया है जो कि फंडामेंटल में आप इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा फिर से कि सर ने वन बाई एक्स स्क्वायर का डी को माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब कैसे कर दिया, ठीक है। तो आइए बताते हैं इस फंडामेंटल का यूज करके कैसे बनाया गया। देखिए आपका जो सवाल था वन बाई एक्स स्क्वायर का डी को करना था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस टू, ठीक है ना बच्चे। और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे बताया गया कि एक्स के पावर एन का डी को क्या है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। तो ये बन जाएगा माइनस टू, एन की जगह पे बैठा है माइनस टू, एक्स का पावर माइनस टू माइनस वन। और इस प्रकार से माइनस टू इंटू एक्स का पावर माइनस थ्री जो कि माइनस टू इंटू वन बाई एक्स का पावर थ्री लिखा जा सकता है, और ये बन जाता है माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि यहां पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया गया है। तो इसलिए बच्चे जो भी आपको स्टार बताया है उस सारे स्टार को याद कर जाओ, जब भी क्वेश्चंस आए तुरंत से इस स्टार आपके दिमाग में नॉक करना चाहिए, ठीक है। यदि मैं इस पे एग्जांपल की बात करूं कि सर क्या इस पे भी कुछ एग्जांपल बन सकता है, तो आप देख सकते हो कि वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का डी को यदि आपसे किसी ने पूछा कि वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का डी को क्या होगा, तो आप जवाब दे पाओगे माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल पावर थ्री, ठीक है ना बच्चों। या x प्लस टू पूछ दे, x प्लस थ्री पूछ दे, तो आप दे पाओगे माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल पावर थ्री। यदि यहां पे माइनस लगा के पूछ रहा है तो आप माइनस दे सकते हो, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो आप तुरंत से उसका डिफरेंशिएशन जुबान से बता सकते हो कि वन बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर का डी को माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल क्यूब होता है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये फंडामेंटल समझ में आ रही है। चलते हैं कुछ और फंडामेंटल की तरफ। अगली जो फंडामेंटल बताई जा रही है बच्चे डीको ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डीको जैसा कि आपने क्लास 11 में निकाला भी है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कॉस एक्स, साइन एक्स का डी को क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है ना बच्चे। यदि मैं आपसे बोलूं कि कॉस एक्स का डी को क्या होगा तो इसका डी को बन जाता है माइनस साइन एक्स, एंड डी को ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डी को जो कि सेक स्क्वायर एक्स है। नेक्स्ट डीको ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डीको ऑफ सेक एक्स, यदि आपसे सेक एक्स का डीको पूछता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स दे, और डीको ऑफ कॉसेक एक्स देता है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इसका रिप्लाई दे, ठीक है ना। अब इस पे यदि आपको कुछ एग्जांपल्स देखना हो तो देख पाओगे कुछ इस प्रकार से। यदि आपसे पूछा जाए कि डी को ऑफ टू साइन एक्स क्या होगा, तो जवाब रहेगा हमारे पास टू कॉस एक्स। ऐसा क्यों हुआ बच्चे, क्योंकि जस्ट आपको बताया था कि कांस्टेंट में यदि किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का डी को करना, कांस्टेंट को वैसे ही मल्टीप्लाई में छोड़ देना, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि डीको ऑफ टू टेन एक्स क्या होगा, तो जवाब क्या निकलेगा टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि टेन एक्स का डीको सेक स्क्वायर एक्स है, तो इस प्रकार से टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है ना।
यदि आपसे पूछा जाए कि साइन x प्लस माइनस वन का डी को क्या होगा, तो आपका आंसर निकल कर आएगा बच्चे cos x प्लस माइनस वन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो यहां से देख करके। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन x प्लस थ्री का डी को क्या होगा, तो जवाब आप दोगे cos x प्लस थ्री, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स को भी नोट कर लें। चलते हैं हम कुछ और फंडामेंटल की तरफ। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन x प्लस माइनस बी का डी को क्या होगा, तो आप इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रख लीजिए बच्चे कि साइन x प्लस माइनस बी का जो डी को होता है, ये होता है a इंटू कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी। और इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए। आपसे यदि पूछा जाए कि साइन 2x प्लस माइनस वन का डी को बताओ, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे बताया गया कि साइन का डी को कॉस, और यहां पे कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई है एक जो है x का कोएफिशिएंट है, इसलिए यहां पे x की जो कोएफिशिएंट है 2, और इसको लिख देंगे 2 कॉस 2x प्लस माइनस वन, ठीक है। यदि प्लस वन है तो प्लस वन देंगे, और यदि माइनस वन है तो माइनस वन देंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखो। यदि आपसे पूछा जाए कि डीको ऑफ साइन 3x प्लस वन क्या होगा, तो आप इसका रिप्लाई क्या देंगे, 3 कॉस 3x प्लस वन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइन का डीको बन जाता है कॉस 3x प्लस वन, और यहां पे लिखा है कि साइन का डीको आप कॉस लिखना, और x का कोएफिशिएंट a है इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टार में आप याद रख सकते हो, इसी प्रकार से cos x प्लस माइनस बी का जो d को आना है, ये आता है माइनस a cos a x प्लस माइनस बी, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि tan x प्लस माइनस बी रहे तो क्या होगा, तो इसका जवाब दोगे a sec स्क्वायर a x प्लस माइनस बी। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए cot x प्लस माइनस बी का डी को, तो आप जवाब देते हो माइनस a cosec स्क्वायर a x प्लस माइनस बी। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपसे पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट, यदि sec यहां पे हो जाए x प्लस माइनस बी, तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि इसका जो डी को होगा वो होगा a sec ax प्लस माइनस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस माइनस बी, ठीक है ना। और sec के बाद यदि आपसे cosec दिया जाए कि cosec ax प्लस माइनस बी क्या बनना है, तो इक्वल टू माइनस ए cosec ax प्लस माइनस बी इंटू cot ax प्लस माइनस बी। तो जितने भी स्टार्स देख रहे हो, इन सारे स्टार पे आपसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि GDX ऑफ tan 2x प्लस 1 का डी को बताओ, तो इसका जवाब क्या दोगे, tan का डी को sec स्क्वायर इंटू ए लगा हुआ है, यानी कि ए जो है x का कोएफिशिएंट है, कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 1, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। यदि आपसे पूछा जाए कि डीको ऑफ कॉट एक्स माइनस वन क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो बच्चे यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो वन है, तो कॉट का डीको क्या होता है, माइनस ए इंटू, तो ए ए की वैल्यू क्या है वन, और वन के आगे लग गया माइनस वन इंटू कॉसेक स्क्वायर
x माइनस वन, तो इस प्रकार से आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, यदि आपसे फिर से पूछा जाए कि d को ऑफ कॉसेक 2x प्लस 1 क्या होगा, तो आपका जवाब देख सकते हो कि कॉसेक का d को बताया गया है माइनस ए इंटू कॉसेक एक्स प्लस माइनस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस माइनस बी, यानी कि इसका बन जाएगा 2 इंटू कॉसेक 2x प्लस 1, यहां पे माइनस लगी हुई है इसलिए यहां पे माइनस लगाएंगे, इंटू कॉट 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये भी फंडामेंटल समझ में आ चुकी है। आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अपने दिमाग से सोचे क्या होगा इसका डीको। ठीक है, चलते हैं हम अगले फंडामेंटल की तरफ। अगली जो फंडामेंटल आपको बताने जा रहा हूं मैं, डीको ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसको एज अ फंडामेंटल आपको याद रखना है बच्चे कि साइन स्क्वायर एक्स का जो डीको होता है ये होता है साइन 2x। ठीक है, ये कैसे होता है आपको बताया जाएगा चैन रूल के अंदर कि कैसे साइन स्क्वायर एक्स का डीको साइन 2x है। ठीक है ना, यदि आपसे पूछे कि डीको ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो आप जवाब देंगे माइनस साइन 2x। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा से ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम कुछ और फंडामेंटल की तरफ जिसका नाम होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल, जो कि क्लास 12 के वीडियो लेक्चर में आपको प्रूफ भी कराया जाएगा। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए अपने दिमाग में रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डीको 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और कॉस इनवर्स एक्स का डीको माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, टैन इनवर्स एक्स का डीको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स एक्स का डीको माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बनाया गया है। नेक्स्ट, सेक इनवर्स एक्स का डीको वन बाई मॉड एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। एट लास्ट, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीको जो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से बनेगा माइनस वन बाई मॉड एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इन छह फंडामेंटल का डिराइव आपको जरूर हम आपको कराएंगे, आप इसको एज अ फंडामेंटल तब तक के लिए दिमाग में रखें कि साइन इनवर्स एक्स का डीको कॉस इनवर्स एक्स का डीको क्या होता है, टैन इनवर्स का डीको कॉट इनवर्स का डीको क्या होता है, एंड सेक इनवर्स एक्स का डीको और कॉसेक इनवर्स एक्स का डीको क्या होता है, किस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं आप इसको रखें। चलते हैं कुछ और फंडामेंटल की तरफ। यदि आपसे पूछा जाए कि e के पावर x का डीको क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डीको क्या होगा, तो इसका डीको निकलता है e के पावर x। ठीक है ना, ये सेम रहता है हमारा। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछूं कि e के पावर माइनस x का या 1 बाई e के पावर x का, ये दोनों सेम चीजें आप देख पा रहे होगे कि 1 बाई e के पावर x को लिख सकते हो e के पावर माइनस x और इसका जो डीको होता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स, तो इसको एज अ फंडामेंटल अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए ई के पावर टू एक्स का डीको या ई के पावर एक्स का स्क्वायर का डीको, आप देख सकते हो ये दोनों सेम है, जिसका डीको बनता है टू इंटू ई के पावर टू एक्स, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए a के पावर x का डीको क्या होगा, तो आप जवाब दोगे a के पावर x इंटू लॉग a। इस पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, मैं अभी बताने वाला हूं कुछ एग्जांपल्स, आप इस
को नोट कर लें। यदि आपसे पूछा जाए कि a के पावर 2x का डी को क्या होगा, तो आप जवाब देते हो a के पावर 2x इंटू लॉग a इंटू 2, कुछ इस प्रकार से आप इसका जवाब देते हो। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछे कि d को आप log x क्या होगा, जब बेस e रहेगा तो इसका d को होता है 1 बाई x, इसको भी आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछ दिया गया कि log x का d को बेस a पे क्या होता है, तो बच्चे आपने पढ़ा होगा कि log x अपान में log a इसको लिखा जा सकता है, और ये कुछ इस प्रकार से ये हमारा बन रहा है। log x बेस a को लिख सकते हो log x बाई log a, जैसा कि फॉर्मूला आपको बताया गया है कि log m बेस n पे क्या होता है फॉर्मूला, हम इसको लिख सकते हैं log m अपॉन log n। तो उसी प्रकार से log x बेस a को लिख सकते हैं log x बेस e अपॉन log a बेस e। और यहां पे log a नीचे जो है ये कांस्टेंट है, और इस log x का डी को 1 बाई x होता है, जैसा कि यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से log x बेस a का डी को 1 बाई x log a होता है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करें। कुछ इस पे एग्जांपल्स को हम देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि d को ऑफ e के पावर x प्लस माइनस 1 क्या होगा, ठीक है ना, तो इसका जो d को बनेगा e के पावर x प्लस माइनस 1, और आप करना क्या, ये जो पावर दिख रहा है इस पावर का भी d को करना। तो इस पावर का d को x प्लस 1 का d को 1 और x माइनस 1 का d को 1 ही होता है, ठीक है ना। तो इस पावर का d को 1 लिखना या ना लिखना बराबर है। तो इस प्रकार से e के पावर x प्लस माइनस 1 का d को भी e के पावर x प्लस माइनस 1 ही होगा, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि e का पावर माइनस x प्लस माइनस 1 का d को क्या होगा, तो आप दे पाएंगे जवाब कि माइनस e के पावर, आप देख पा रहे हो e के पावर माइनस x का d को लिखा गया है, माइनस e के पावर माइनस x, जो कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा माइनस e का पावर माइनस x प्लस माइनस 1। तो इन कुछ एग्जांपल्स को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं कुछ और फंडामेंटल की तरफ। यदि आपसे पूछे कि 2 के पावर x का d को क्या होगा, तो आंसर क्या दोगे बच्चे, कि 2 के पावर x इंटू लॉग 2। ये कहां से आया, तो आप देख पा रहे होगे कि a के पावर x का d को a का पावर x इंटू लॉग ये बताया गया है। तो उसी प्रकार से 2 के पावर x का d को 2 के पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। और यदि आपसे पूछा जाए कि 2 के पावर x प्लस 1 का d को क्या होगा, तो जवाब देंगे 2 के पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सारे बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आप इसको हमेशा अपने मेमोरी में सेव करके रखें, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन का डी को क्या है, ये इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक बताया गया डेरिवेटिव। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि आपको लिख दिया कि y इक्वल्स टू x प्लस 3 और इसका डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव फाइंड करो, d को फाइंड करो, तो आप कैसे करते हो, देखो इसका सॉल्यूशन के लिए आप लिखते हो y का d को dy बाई dx, और यहां पे x का d को 1 और 3 का d को 0, जो कि बन जाता है 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यदि आपको दे दिया कि y इक्वल्स टू x प्लस साइन x और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो, ठीक है, तो ये बन जाएगा dy by dx is equals to x का d को 1
और इस sin x का d को cos x बन जाएगा, 1 plus cos x। तो आप देख पा रहे हो कि दो अलग अलग फंक्शन का समेशन है और उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव को लिख दे रहे हो, ठीक है ना। जैसे कुछ और देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इसका d को फाइंड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, dy by dx। इस y का d को फंडामेंटल में जस्ट आपको बताया कि dy by dx होता है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे x स्क्वायर का d को 2x और इस x का d को 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x plus 1 और इस 1 का d को 0 होता है, जो कि मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है कि सम ऑफ डीको ऑफ फंक्शन एज समेशन और डिफरेंस, डिफरेंस फॉर्म। यानी कि यदि दो फंक्शन है, लेट यू एंड बी आर एनी टू फंक्शन, यदि यू और बी कोई भी दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन समेशन के फॉर्म में लिखा है यू प्लस बी, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखने के लिए हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस u का d को du by dx प्लस इस v का d को dv by dx कर देंगे, ठीक है ना। जैसा कि ये एग्जांपल्स आपको क्लियर कर रहा है, और यदि ये डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा u माइनस बी, तो यहां पे क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे कि कुछ और एग्जांपल आप देख पाओगे, y इक्वल टू x का पावर n प्लस x का पावर माइनस n का d को करना है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो इस y का d को d by dx और ये x के पावर n का d को nx का पावर n माइनस 1, आपको जस्ट फॉर्मूला बताया है, और इस x के पावर माइनस n का d को माइनस n इंटू x का पावर माइनस n माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं कुछ और, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का d को क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि बच्चे आपको डायरेक्ट बताया गया कि y का d को d by dx और इस sin square का d को sin 2x होता है और cos square x का d को आपको minus sin 2x लिखा था मैंने, तो ये plus sin 2x से ये minus sin 2x कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि sin square plus cos square equals to 1 होता है, तो y equals to 1, यहां से आप लिख सकते हो कि y equals to 1, तो d by dx आप देख पा रहे होंगे कि 1 का d को फिर से 0 बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि sin square x plus cos square का d को 0 होता है, ठीक है ना। चलते हैं कुछ और एग्जांपल की तरफ, यदि मैं आपसे बोलूं कि फाइंड करो d को y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसका d को फाइंड आउट करना है, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर कोसेंट का फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल आप लगा सकते हो, लेकिन अभी तक मैंने आपको समेशन और डिफरेंस का फॉर्म बताया है, आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा बच्चे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल अपॉन x प्लस 1, और इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1, ये न्यूमरेटर हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे टूटा, डिनोमिनेटर में है हमारे पास x प्लस 1 और ये कट जाएगा। इस प्रकार से y इक्वल टू बन गया x माइनस 1 और तब जाके लिखेंगे d y / dx, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, x का d को 1, 1 का d को 0, जो कि बन गया 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका d को क्या है,
इक्वल टू वन है। चलते हैं कुछ और एग्जांपल की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का डीको आपसे पूछ रहा है कि इसका डीको बता दीजिए, तो इसका डीको क्या लिखेंगे बच्चे, इस y का डीको डी वाई बाई डी एक्स, और जैसा कि आपको बताया था एक्स स्क्वायर का डीको 2x होता है तो आप इसको 2x लिखो, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डीको आपको मैंने लिखवाया है माइनस 2 अपॉन में एक्स क्यूब। ये देखिए ये सारे एज ए फॉर्मूला की तरह ये ट्रीट होने लगे और ये हमारा बन जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सारे डीको समझ में आ रहा है। कुछ और लेके चलते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का डीको क्या होगा, ठीक है, तो आप इसको करोगे क्या, किसको पहले ब्रेक कर दोगे कुछ इस प्रकार से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। थोड़ा सा अगले लाइन में और हम सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हो ये x से ये x कैंसिल हो रहा है और ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, और इसको यहां पे डिफरेंशिएट कर दीजिए और आप पाएंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डीको टू एक्स, वन बाई एक्स स्क्वायर का डीको माइनस टू अपॉन में एक्स क्यूब, और इस टू का डीको जीरो होता है। इस प्रकार से आंसर मिला टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये डीको को फाइंड आउट करते हो। चलते हैं कुछ और डिफरेंशिएशन की तरफ। यदि आपसे पूछा जाए कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल पावर थ्री का डीको क्या होगा, ठीक है ना बच्चे, तो इसका डीको करने के लिए आप करेंगे क्या, किसको ब्रेक कर देंगे, कैसे ब्रेक होगा, a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक होगा। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए के जगह पे x है एक्स स्क्वायर इंटू बी वन बाई एक्स प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। आप देख पा रहे होगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, जैसा कि आपको ये फंडामेंटल में भी बताया गया। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन बन रहा है ये बन रहा है एक्स क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है एक्स के पावर माइनस थ्री, यहां पर यह एक्स से एक्स कैंसिल होकर थ्री एक्स आया, ये x से x कैंसिल होके प्लस थ्री इंटू वन बाई एक्स आया। अब इस लाइन का डिफरेंशिएशन, इक्वेशन का डिफरेंशिएशन बहुत इजीली आप कर पाओगे कुछ इस प्रकार। नाउ y का डीको डी वाई बाई डी एक्स और इस एक्स क्यू का डीको थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे x का पावर माइनस थ्री है तो इसका डीको मिलेगा माइनस थ्री इंटू एक्स का पावर माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री, और इस x का डीको 1 प्लस 3 इंटू वन बाई एक्स का डीको जस्ट आपको बताया था माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है ना। यहां पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, x का पावर n वाली फॉर्मूला यूज किया गया जो कि आपको बताया गया है x के पावर n का n x के पावर n माइनस 1। तो यहां पे हर एक टर्म में इसी फॉर्मूले का यूज किया गया है, एक्स क्यूब का डीको 3 एक्स के पावर 3 माइनस 1 जो कि 2 हो गया, एक्स के पावर माइनस थ्री का डीको माइनस थ्री एक्स के पावर माइनस थ्री माइनस वन हो गया, एक्स के पावर वन को लिखा जा सकता है वन एक्स के पावर वन माइनस वन जो कि एक्स के पावर जीरो बराबर वन होता है, यहां पे थ्री हो गया, और वन बाई एक्स के लिए भी आपने इसी फॉर्मूले का यूज किया जो कि डीको आया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस थ्री माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर लें। चलते हैं हम कुछ और एग्जांपल की तरफ। यदि सपोज कर लो कि आपको दिया है टेन एक्स प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स का डीको फाइंड करने के, तो कैसे ये डिफरेंशिएट होगा, तो इस y का डीको d बाई डी एक्स, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो tan x का डीको sec स्क्वायर x और इस sin स्क्वायर x का डीको sin 2x,
और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आज के जो भी आपको फंडामेंटल डेरिवेटिव का बताया गया है उन सारे फंडामेंटल को मेमोराइज कर जाए यदि आप चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन आपके लिए इजी बन जाए। ठीक है, चलते हैं कुछ और एग्जांपल की तरफ। x प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स का डी को फाइंड करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है, जो कि अभी तक आपको प्रोडक्ट रूल बताया नहीं है। तो हम समेशन पे ही इसको निकालेंगे, कैसे निकलेगा ये, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार से डी बाई डी एक्स बन गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डी को टू एक्स माइनस और वन बाई एक्स स्क्वायर का डी को माइनस टू बाई एक्स क्यूब, जो कि आंसर बन गया टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू बाई एक्स क्यूब। ठीक है ना बच्चे, तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक दो एग्जाम्पल्स और हम देखते हैं। सपोज कर लो आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको भी आपको समेशन पे बनाना है। तो आप क्या करते हो कि इसको सबसे पहले अलग अलग बांट देते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, जैसे ही बांटते हो तो आपको मिलेगा y इक्वल टू वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, और इस प्रकार से ये जो आंसर आ रहा है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। आई होप कि बच्चे इसका डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया है। चलते हैं हम अगले फंडामेंटल की तरफ जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन पे कुछ फंडामेंटल, यानी कि फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन में रहेगा क्वेश्चन और आपको डिफरेंशिएशन को फाइंड करना होगा। तो आइए जानते हैं क्या है कैसे है। नेक्स्ट आपको फंडामेंटल बताने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि अब आपका जो भी फंक्शन है सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होंगे और हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताया गया है कि लेट यू एंड वी आर एनी टू फंक्शंस देन डीको ऑफ यू इंटू वी, यू इंटू वी का डीको, जो कि बन जाता है कुछ इस प्रकार से U इंटू डी को ऑफ V प्लस V इंटू डी को ऑफ U। मतलब इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं यदि दो फंक्शन पहला और दूसरा दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और उसका डेरिवेटिव को फाइंड करना हो तो आप बोलते हो फर्स्ट मतलब U इंटू डी को ऑफ सेकेंड V का डी को प्लस V इंटू डी को ऑफ फर्स्ट हम करते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देख पाएंगे। मान लीजिए आपको लिखा है y इक्वल टू x इंटू साइन x और यहां पे इसका d को फाइंड आउट करना है, तो आप करेंगे क्या, इस y का d को d बाई बाई dx लिख देते हो और इस x साइन x का d को इस फॉर्मूले पे आप रखते हो कुछ इस प्रकार से x इंटू d को ऑफ साइन x प्लस साइन x इंटू d को ऑफ x। ठीक है, यहां पे यदि कांस्टेंट भी होता 2 इंटू साइन एक्स तो आप इस पर तोड़ सकते हो। ठीक है ना, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा x इंटू साइन एक्स का डी को कॉस एक्स हो गया प्लस साइन एक्स इंटू इस एक्स का डी को 1 हो गया और इस प्रकार से आंसर बन गया x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही हमारा क्या है आंसर है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं जैसा कि आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखा था
कि y इक्वल टू 2x में सिर्फ और सिर्फ x का डीको क्यों होता है, 2 का डीको क्यों नहीं होता है, इसका आंसर आपने 2 बताया था, ठीक है। आइए जानते हैं कि इसका आंसर 2 कैसे आता है। तो इस y का डीको dy by dx लिखा जा सकता है, और इसको ये पहला और दूसरा दो फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन और बगल में एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये दो फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, फर्स्ट इंटू डीको ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड एक्स इंटू डीको ऑफ फर्स्ट, और इस प्रकार से 2 इंटू एक्स का डीको 1 होता है प्लस एक्स इंटू इस 2 का डीको 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 प्लस 0 बराबर क्या निकल गया है, 2 आया। तो यही हम बोल रहे थे कि डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे तो ये लिखेंगे 2 और इस x का डीको 1 बराबर 2 आंसर आ जाता है, जो कि इस प्रकार से ये निकाला गया है, ठीक है ना। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रहा है, आप इसको नोट कर लें। चलते हम आगे की तरफ। बच्चे यदि आपसे पूछा जाए कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डीको बताओ, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहां पे दो फंक्शन है जो कि आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इसका डीको करने के लिए लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीको प्लस सेकेंड कॉस एक्स इंटू डीको ऑफ फर्स्ट, कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड घड़ी को प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट घड़ी को। आप चाहें तो इस कॉस एक्स को पहला मान सकते हो और साइन एक्स को दूसरा मान सकते हो, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस प्रकार से बन गया साइन एक्स इंटू इस कॉस एक्स घड़ी को बनाया माइनस साइन एक्स, ठीक है ना बच्चे, प्लस कॉस एक्स इंटू और इस साइन एक्स घड़ी को क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, और इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर x अब प्लस cos इनटू cos cos स्क्वायर x, जो कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या बन जाता है, साइन 2x, सॉरी cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन x इनटू cos x का जो डीको बना माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जो कि cos 2x होता है, ठीक है बच्चे। इसी प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा था कि sin स्क्वायर x का डीको sin 2x होता है और cos स्क्वायर x का डीको माइनस sin 2x होता है। आइए जानते हैं कि ये हमने कैसे डायरेक्ट लिख दिया था, y इक्वल टू sin स्क्वायर x। आप चाहो तो इसको चैन रूल से भी देख सकते हो, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला से दिखा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं sin x into sin x, और यहां पे दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन सेम है, पहला और दूसरा किसी को भी माना जा सकता है। इस y का डीको डी वाई का डी एक्स, और इसको लिख सकते हो साइन एक्स इंटू डीको ऑफ सेकेंड, जो कि ऑलरेडी साइन एक्स है, प्लस सेकेंड साइन एक्स इंटू डीको ऑफ फर्स्ट, जो कि साइन एक्स ही है। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होगे कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डीको कॉस एक्स बन गया, प्लस यहां पे बना साइन एक्स इंटू और इस साइन का डीको बन गया कॉस एक्स, और आप देख पा रहे होगे साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स दोनों सेम है, जो कि लिखा जा सकता है 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये बन जाएगा हमारा साइन 2x का फॉर्मूला, जो कि 11 में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a होता है। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि साइन स्क्वायर एक्स का डीको साइन 2x किस प्रकार आया है। तो बच्चे हम चाहेंगे कि आप कॉस स्क्वायर एक्स का डीको माइनस साइन टू एक्स खुद से आप सॉल्व करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कुछ और फंडामेंटल की तरफ। यदि आपसे पूछा जाए x by sin x और इसका डीको फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये दो फंक्शन आपस में कोसेंट के फॉर्म में हैं,
तो जब भी दो फंक्शन आपस में कोसेंट के फॉर्म में हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लेट यू एंड वी आर एनी टू फंक्शन, ठीक है, कौन सी फॉर्म, डिवीजन के फॉर्म में, और एनी टू फंक्शन देन यदि आपसे u by v पूछा जाए तो इसका डिको बनता है डेनोमेटर इंटू न्यूमरेटर का डिको माइनस न्यूमरेटर इंटू डिको ऑफ डिनोमेटर अपॉन डिनोमेटर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x by sin x का डिको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। कैसे होगा, आइए दिखाते हैं हम आपको। तो ये लिखेंगे इसके डिको के लिए डिनोमेटर इंटू डिको ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिको ऑफ डिनोमेटर अपॉन डिनोमेटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट आ रहा है साइन एक्स इंटू, और इस एक्स का डिको वन होता है, माइनस एक्स इंटू, और साइन एक्स का डिको जैसा कि आपको बताया गया कॉस एक्स होता है अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और इस प्रकार से ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया हमारे पास साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आई होप कि आपको बच्चे समझ में आ रहा है। तो जब भी दो फंक्शन आपस में कोसेंट के फॉर्म में होगा तो इस फॉर्मूले का हमको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इस फॉर्मूले पे। सपोज कर लो आपको लिखा है साइन एक्स अपॉन टेन एक्स और इसका डिको आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको सिंपली तोड़ सकते हो, कैसे, साइन टेन को लिख सकते हो साइन बाई कॉस, ठीक है, और कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स का डिको माइनस साइन एक्स आंसर आ जाएगा। या हम इसको कोसेंट के फॉर्म में लेके जाए तो इसको लिखेंगे डिनोमेटर इंटू डीको ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डीको ऑफ डिनोमेटर अपॉन डिनोमेटर का स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से बच्चे आपको मिला टैन एक्स इंटू इस साइन एक्स का डीको कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स इंटू टैन का डीको सेक स्क्वायर एक्स जैसा कि आपको पता है होल अपॉन टैन स्क्वायर एक्स, यही क्या बन जाएगा हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। e के पावर एक्स बाई लॉग एक्स और इसका डिको करना है, तो यहां से आप देख पाओगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू डिनोमेटर लॉग एक्स इंटू डीको ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डीको ऑफ डिनोमेटर अपॉन डिनोमेटर का स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो आंसर बन रहा है और आ रहा है लॉग एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डीको, ई के पावर एक्स ही होता है, माइनस ई के पावर एक्स और इस लॉग एक्स का डीको वन बाई एक्स होल अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहे तो यहां पे एलसीएम ले सकते हो एक्स लॉग एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स होल अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आप से आशा मैं करूंगा कि आपको ये सारे बात समझ में आ रहा है, आप जरूर से इस पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए कुछ और डिको चला जाए। यदि आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई के पावर एक्स का डिको क्या होगा, ये भी एक कोसेंट के फॉर्म में है, क्रिस वाई का डिको डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे देख सकते हो कोसेंट के फॉर्म में ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक एग्जांपल डिनोमेटर इंटू डीको ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का डीको वन बाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर, आप देख पा रहे होगे ये फॉर्मूला पे यूज किया जा रहा है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डीको ऑफ डिनोमेटर ई के पावर एक्स का डीको जो कि ऑलरेडी ई के पावर एक्स ही होता है होल अपॉन ई के पावर एक्स का स्क्वायर,
यही हमारा आंसर बन जाता है। तो आई होप कि बच्चे आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट टू में, जो कि इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।